छत्तीसगढ़ में दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को यह रकम मिलेगी। रायपुर के ग्राउंड पुलिस ग्राउंड स्थित हेलीपैड में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ की महतारी की कृपा से हम यह ऐलान कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि गृह लक्ष्मी से अर्थ के पुत्र के लिए उसकी माँ से, पति के लिए पत्नी और पिता के लिए उसकी बेटी से है। वहीं उन्होंने बीजेपी के महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाए जाने को लेकर भी कहा कि उनकी गारंटी की ही गारंटी नहीं है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। आज दिवाली तिहार है और दिवाली तिहार के सब जन लगाड़ा गाड़ा बधाई और माँ लक्ष्मी के असीम कृपा सब पे बने रहे, ये शुभकामना। और जिस प्रकार से हम 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें और इनमें जन जन के आशीर्वाद भी मिली और हम नवा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मिशन में हम चलें और सबो तरफ सुख समृद्धि ऐसे, और इनमें छत्तीसगढ़ के सबो नर नारी महिला पुरुष बच्चा सबके योगदान रहे हैं।